एक गांव में एक आदमी रहता था चिंटू। एक बार की बात है, चिंटू की तबीयत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से चीखने लगता है। हाय माँ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, क्या कोई मेरी मदद करेगा? अरे कोई है, मेरी मदद करो, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसके घर के बाहर से उसके दो दोस्त संटी और बंटी जा रहे होते हैं। संटी कहता है, बंटी लगता है चिंटू किसी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बंटी कहता है, हाँ हाँ, वो जोर जोर से क्यों चीख रहा है, चलो चलकर पता करें। ऐसा कहकर वो उसके घर के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ चिंटू खाट में लेटा होता है और चीख रहा होता है, हाय माँ, अरे दैया, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे अस्पताल ले जाओ। संटी कहता है, अरे चिंटू क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? चिंटू कहता है, मेरे सीने में जोर का दर्द है, मेरी मदद करो, मुझे अस्पताल ले जाओ, वरना मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। बंटी कहता है, अरे चिंटू, तूने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा जिससे गैस बन गई होगी, अभी तो तू जवान है, तुझे दिल का दौरा अभी से नहीं पड़ेगा। संटी कहता है, हाँ हाँ चिंटू, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, चलो संटी हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर वो घर के बाहर जाने लगते हैं। तभी चिंटू और जोर की चीखने लगता है, हाय मर गया रे, मुझसे सांस नहीं ली जा रही, मुझे दिल का दौरा पड़ गया रे, मुझे कोई अस्पताल ले जाओ। संटी और बंटी आखिर में हार कर चिंटू को अस्पताल ले जाते हैं। चिंटू अस्पताल पहुंचकर कहता है, अरे कंबकतो, कैसे अस्पताल में ले आए मुझे? इस अस्पताल में आज तक जो भी भर्ती हुआ है वो आज तक जिंदा वापस नहीं गया है, मुझे इस अस्पताल में भर्ती नहीं होना। संटी कहता है, देखो चिंटू भाई, ज्यादा दिमाग मत खराब करो, भर्ती होना है तो इसमें ही हो, यहाँ दूर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है। फिर वो दोनों चिंटू को उठाकर अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक नर्स मिलती है। संटी कहता है, नर्स मैडम, ये हमारा दोस्त है चिंटू, इसके सीने में दर्द की शिकायत है, आप कृपया इसे यहाँ भर्ती कर लीजिए। नर्स कहती है, हाँ क्यों नहीं, यही तो हमारा काम है। उस अस्पताल में चिंटू के अलावा कोई भी नहीं होता, वो अस्पताल सुनसान होता है। फिर नर्स चिंटू को कुछ दवाइयाँ देती है और कहती है, ये दवाइयाँ ले लो, सुबह डॉक्टर साहब आएंगे, उन्हें अपनी तकलीफ के बारे में बताना। इतना बोलकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। संटी कहता है, अच्छा तो अब हम चलते हैं। चिंटू कहता है, अरे नर्स मिटो, ये मुझे कहाँ भर्ती करा दिया, यहाँ मेरे अलावा कोई मरीज नहीं है, मैं यहाँ अकेला रहने वाला नहीं हूँ, चुपचाप तुम भी यहीं लेट जाओ, सुबह होने पर तीनों साथ चलेंगे। फिर रात होने पर वहाँ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे चिंटू की नींद खुल जाती है। उसके बेड के नीचे एक चुड़ैल बैठी होती है। संटी और बंटी अभी भी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वो चुड़ैल चिंटू के बेड के नीचे बैठकर गुर्रा रही होती है। चिंटू कहता है, अरे मर गया रे, मुझे इस अस्पताल में पहले से ही शक था, पता नहीं ये अजीब अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं। संटी और बंटी उठो उठो, नास मीटो, घोड़े बेचकर सो रहे हो, खड़े उठो। तभी संटी उठता है और कहता है, क्या हुआ चिंटू, अब तो नर्स मैडम ने तुझे दवाई भी दी है, अब क्यों चीख रहा है? चिंटू कहता है, मुझे डरावनी डरावनी सी आवाजें आ रही हैं। तभी चुड़ैल बेड के नीचे से गुर्राने लगती है। बंटी कहता है, अरे मर गया रे, ये तो किसी चुड़ैल की आवाज लगती है रे, अरे मर गए रे, नर्स मैडम कहाँ हो आप, अरे नर्स मैडम कहाँ हो? फिर बंटी की नजर चिंटू के बेड के नीचे पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसे चिंटू के बेड के नीचे चुड़ैल दिख जाती है, वो डर के मारे कांपने लगता है। संटी कहता है, अब तुझे क्या हो गया रे, तू क्यों इतना कांप रहा है, तुझे भी दिल का दौरा पड़ा है क्या? बंटी कहता है, अरे भाई जल्दी से चिंटू के बिस्तर के नीचे देखो।
फिर संटी भी झुककर चिंटू की बिस्तर के नीचे देखता है और चिल्लाता है, अरे रे ये तो चुड़ैल है, भागो रे भागो, जान बचाकर भागो। फिर वो दोनों भागकर एक कोने में खड़े हो जाते हैं। चिंटू कहता है, अरे नाशमीटो ऐसा क्या देख लिया मेरे बिस्तर के नीचे। बंटी कहता है, तुम्हारे बिस्तर के नीचे एक चुड़ैल बैठी है। संटी कहता है, अरे चिंटू बिस्तर से नीचे मत उतरना वरना चुड़ैल तुम्हारी टांग खींच लेगी। चिंटू कहता है, हाय रे मैं कहाँ फंस गया रे, अरे नर्स जी आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं नर्स जी, जल्दी आइए। तभी वो चुड़ैल बिस्तर के नीचे से निकल कर आती है और कहती है, क्या हुआ चिंटू जी, आपने मुझे बुलाया क्या। वो नर्स ही चुड़ैल होती है। चिंटू कहता है, नर्स जी मैंने बुलाया, नहीं नहीं, अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपको बुलाऊं, मैंने आपको नहीं बुलाया। नर्स कहती है, मुझे तो लगा तुमने मुझे पुकारा है। चिंटू कहता है, अरे नहीं नहीं नर्स जी, आपने जो मुझे दवाइयाँ दी थी मुझे अब बहुत आराम है, आप मेरी चिंता मत करिए और आप भी जाकर अब आराम करिए। नर्स कहती है, ठीक है मैं बाहर ही हूँ, जब कोई परेशानी हो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर नर्स बाहर चली जाती है। चिंटू कहता है, अरे नाशमीटो मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी पीछे के रास्ते से भागो, मैंने तो पहले ही कहा था ये अस्पताल ठीक नहीं है। फिर वो तीनों पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, जान बचाकर भागो रे। उन तीनों की आवाजें सुन चुड़ैल उनका पीछा करने लगती है। तभी बाहर सूरज निकल आता है और वो चुड़ैल अस्पताल से बाहर नहीं आती और उन तीनों को कहती है, मेरे अस्पताल से आज तक कोई जिंदा नहीं गया, तुम भी नहीं बचोगे, रात होने दो मैं तुम तीनों को मार दूंगी। तुम नहीं बचोगे। संटी कहता है, चलो गांव भाग चलते हैं, ये चुड़ैल सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आएगी। ऐसा कहकर वो तीनों भाग जाते हैं और भागकर गांव पहुंच जाते हैं और फिर कभी अस्पताल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें।